फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग निकल चुके हैं अपने एक और ट्रिप की तरफ, ईद डे टू की तरफ, क्योंकि आज ईद का दूसरा दिन है और आज हम लोग निकल चुके हैं एक और ट्रिप की तरफ। फिलहाल तो ये हम लोगों ने कन्फर्म नहीं किया, जाना खाएं बस निकल गए हैं 2 से 3 दिन के ट्रिप तक। तो आज है डे वन वाला ट्रिप, तो मैंने बना रहा हूँ ब्रो, तो स्टे विद अस। अभी जो है हम पेट्रोल पंप से अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं और बाकी सारे अंदर गए हैं ताकि कुछ खाने पीने के सामान ला सकें। जो है हम लोग रास्ते में रुके हैं यहाँ पे, हम लोग कुछ मिनट के लिए रुके हैं क्योंकि हम लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। पीछे जो है सवार टनल यहाँ पे, अब हम लोग ने प्लान कर लिया, हम लोग जा रहे हैं कमराट वैली, तो कमराट वैली की तरफ जा रहे हैं। इस टाइम जो है सवार मोटरवे टनल है हमारे सामने, जहाँ पे हम 2 दफ़ा गुजर चुके हैं पहले भी, आपको दिखा चुके हैं, इस बार दोबारा दिखाएंगे। पिछली दफ़ा यहाँ पे पीछे पानी था लेकिन इस दफ़ा पानी वगैरह नहीं है, तो उस टाइम भी 10 चलते हैं हम। हम लोग तकरीबन कुमराट से 2 से 3 घंटे के फासले पर हैं। यहाँ पे कोई चेक पोस्ट है, टूरिस्ट वाला पॉइंट भी लिखा हुआ है। ये मेरे पीछे इस टाइम ये दरिया है सवाद, और इस टाइम मेरे अबू को उन्होंने बुलाया ताकि वो अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे दें ताकि शनाख्ती कार्ड वगैरह एंट्री हो जाए। तो उसके बाद हम लोग आगे की तरफ रवाना होंगे। धूप तो है लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। समंदर की पहुँच चुके हैं कुमराट वैली के अंदर, बाबे कुमराट। अब यहाँ से जो है कुमराट शुरू हो चुका है, कुमराट वैली शुरू हो चुका है। Continue for 62 kilometers. यहाँ से खूबसूरत व्यू है, ये देखें कैसा व्यू है। हम लोग कुमराट वैली के मेन पॉइंट की तरफ जाते हुए हैं, यानी वहाँ पे एक वो है वाटरफॉल है, उस तरफ जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे स्टीकर रुके हैं रास्ते में पॉइंट के ऊपर, और मेरे पीछे देखिए ये सवाद का दरिया, ये इतना खूबसूरत है। अभी ये ऊपर मैंने ऊपर पुल बना हुआ है, इसके ऊपर से हम लोग घूम के आए हैं। ऊपर भी गाड़ी खड़ी है, हम देखने आए थे कि गाड़ी यहाँ से आ सकती है कि नहीं, क्योंकि देखें ये रास्ता इस तरह का है बिल्कुल, और ऊपर से अचानक से वो चढ़ाई है रेहान, वो उधर चल रहा है। और अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया, तो हम लोग खाना भी यहीं पर ही खाने वाले हैं। तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ ताकि हम लोग गाड़ी को ला सकें, और खाना है हम लोगों ने। हम लोग तकरीबन कई घंटों से सफ़र कर रहे हैं, सुबह 7 बजे निकले थे और अभी तक सफ़र कर रहे हैं। आज है ईद का दूसरा दिन, जुम्मा की नमाज हम लोगों ने इधर ही कपास की एक मस्जिद में पढ़ ली। सो स्टे विद अस, हम खाते हैं। इतना ठंडा और साफ सुथरा, इतना अच्छा पानी यहाँ पे है, और ये इतना तेज़ बहाव है बीच में, और वहाँ पे आगे पता नहीं कौन से लड़के वो ट्रैक्टर वगैरह के टायर की ट्यूब्स लेके इसमें कूदने लगे हैं। वो देखिए इनके हाथ में ट्यूब्स वगैरह हैं। ये कूदने वाले पागल हो गए, वो देखें इनको कहते हैं एंजॉय करना ये दरिया के अंदर। गाइस ये देखें, ओपल्ला कैसा इंसान है, ये पूरे बीच में से होके आया, वो देखे सामने है। नो, ये आपको लग रहा है लेकिन इनके घर है ना। हम खाना खा के अपने उस जगह से निकल चुके हैं जहाँ पे अपने खाना खाए थे, और अब हम लोग अपनी मंजिल की तरफ चले गए हैं कुमराट वैली की तरफ। और अभी यहाँ पे हमें रुका है एक और दफा हमारी कोई हमारी इंफॉर्मेशन वगैरह कहते हैं, कुछ लिखवाना होता है, शनाख्ती कार्ड वगैरह एंट्री करवानी होती है। सो स्टे विद अस। इतना प्यारा व्यू है, अब इस टाइम हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, तो बस कुछ किलोमीटर रह गए हैं, 30 या 25 किलोमीटर रह गए हैं। देखें हम इस टाइम कितनी ऊंचाई पे हैं, नीचे ये दरिया वगैरह इतना खूबसूरत लग रहा है, और ये छोटी सी रोड है, हम लोग इसके अंदर डर के आ रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत मंजर, खूबसूरत मंजर है बिल्कुल, साथ ही पानी का तेज बहाव, ऊपर से रोड बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ ऑफ रोडिंग हो रही है, और तेज़ बहाव है पानी का, बहुत सख्त
और बहुत ही खूबसूरत नजारा है, खूबसूरत नजारा है। ये देख, सिर्फ दरिया साइड पे, दरिया यहाँ पे, सब्जा और पहाड़, ठंडी ठंडी हवाएं, बादल। इंटरनेशनल होटल इसका नाम है, इंटरनेशनल होटल एंड रेस्टोरेंट। ये चक्कर, ये देखिएगा जगह, ये खेत से बने हुए हैं, यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह लगी हैं, दरख्त वगैरह लगे हैं। सामने गवर्नमेंट का एक स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। पहाड़ उसके ऊपर, ये इतना प्यारा लग रहा है जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ कैमरे में। बहुत ही हमारा एक रूम 2500 रुपीज़ में मिला है। यहाँ पे एक डबल बेड है, नीचे इसके मैट्रेस भी रखे जो यहाँ पे बिछाएंगे हम। ये हमने सामान कुछ यहाँ पे रख लिया, जायनमाज है, टेबल है, उसके अलावा ये वॉशरूम है। इसमें दोनों तरह के वॉशरूम्स हैं, टॉवल है, गीज़र भी है, यानी गर्म पानी होगा, यानी मैं यहाँ पे नहा सकूँगा सुकून से। और व्यू देखें ज़रा खिड़की के बाहर का, वो पीछे बर्फ़ के पहाड़ जोरियान, पीछे बर्फ़ के पहाड़ और इस तरफ हरियाली ही हरियाली। ये देखें क्या व्यू, और सामने दरिया, खूबसूरती खूबसूरती की फटकार। बाहर देख के देखें कितना खूबसूरत व्यू है। ये सोफ़ा है यहाँ पे साइड पे, सोफ़ा। ये व्यू चेक करें आप, सामने पहाड़। कह रहे हैं अंकल 10 मिनट से ज़्यादा बैठा नहीं जा सकता, इतनी ठंड होती है यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा चलती है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत। सामने दो टेबल मस्जिद है, पता नहीं मस्जिदुल इस्लाम, जामे मस्जिदुल इस्लाम, तारीख वगैरह तो नहीं पता यहाँ पे, लेकिन काफ़ी लकड़ी की बनी हुई है। लकड़ी की बनी है सारी की सारी, और कुछ पत्थरों से। तारीख कहाँ पे लिखी है इसकी, तारीख? हम छत की तरफ जा रहे हैं, छत देखने के लिए। 1953 की है ये, एक दफा जल चुकी है, उसके बाद दोबारा तामीर की गई, और ऊपर वाला हो रहा है तामीर। ये देखिए, ये नई नई तामीर हुई है इसकी, काम सारा इसका शुरू हो चुका है, पर अब दूसरी मंजिल भी अनकरीब बनने वाली है। सामने पहाड़ ही पहाड़, और सामने 1953 की मस्जिद, मस्जिदुल इस्लाम। आया मस्जिद वगैरह देखी अंदर से, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा पुरानी, 1953 की बनी है, और उससे पहले एक बार जल भी चुकी है। और ये जो बंदे थे, ये कसम से बहुत ही ज़्यादा, कसम से मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत ज़्यादा बेहतरीन बंदे थे, यानी इतने अच्छे से उन्होंने आपसे बात की और सारा सारा कुछ। लेकिन और कह रहे हैं अगर कोई भी मदद वगैरह की ज़रूरत हो, नंबर भी दिया इन्होंने, कोई भी मदद ज़रूरत हो तो ज़रूर बताई, बाकी चीज़ें नहीं है। ये है खैबर पख्तूनख्वा पठान, मज़ा ही आ गया इस जगह देख के, बहुत खूबसूरत। सो गाइस, इस टाइम जो है हम लोग मस्जिद से वापस आ चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत और यादगार मस्जिद थी। और अभी जो है मैं आके लेट चुका हूँ, कमरे में बहुत थकी हूँ, बाकी सारे घर वाले बाहर रखे, बाहर बहुत ही ज़्यादा अच्छा वो मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा यानी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो इसीलिए सारे घर वाले बाहर हैं। मुझे तो ठंड लग रही है, अभी कुछ दिन बाद हम किसी का पार्टी करने वाले हैं, और काफ़ी लंबा चौड़ा ब्लॉग हो गया, काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया, और जो वीडियो जो मैं वो 25 वीडियो से दिखा नहीं सकता जो मैं उसमें रियल आँखों से देख रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह, और यहाँ के लोग आपको अंदाजा नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग, इतने अच्छे लोग मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ही देखे नहीं। अपने घर के आसपास ऐसे लोग होते हैं, वो तो अपने अपने नफसी नफसी यानी अपने अपना को फिक्र होता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे अगर बंदा हल्की सी थोड़ी मदद करते, बाद में आके कहते हैं भाई मजदूरी देते हैं, नहीं इतने पैसे बनने जरूर देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे एक बंदा मुझे मिला, वो बहुत ही अच्छा, उसने सारे मुझे, हालांकि वो अपनी तरफ जा रहा था, उसने मुझे बताया कि आओ मैं आपको मस्जिद लेके जाता हूँ, पूरी मस्जिद दिखाई, ऊपर वाला पोर्शन दिखाया, उसके बाद उसने मुझे अपना फ़ोन नंबर भी देखा, कोई मसला हो तो बता देना, ये होते हैं असली। सो देखते हैं अभी हम लोगों ने बाद में क्या करना है। सो स्टे विद अस, मैं अपने होटल की तरफ वापस जा रहा हूँ, एक शहर का इंसान।
एक गांव में अजीब ही हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना दूर दूर तक चल के आया हूँ, मेरे तो पाँव में दर्द हो गया। सिर्फ क्या लेने के लिए, रोटियाँ लेने। ओ मैं रोटी लाना ही भूल गया, बनाता हूँ वीडियो के चक्कर में मैं रोटियाँ ही लाना भूल गया। रोटियाँ का एक ही रोटी है सर, मैं ही खाता हूँ, बाकी घर वाले तो चावल ही खाएंगे। सो चले इस टाइम चलते हैं। सो स्टे विद अस, शायद तिक्के आज ना बनाए, तिक्के फिर के भी बनाए, कल बनाएंगे शायद। तो अभी तो हम घर जाएंगे, बस खाना खाएंगे और सो जाएंगे। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी दबाइएगा जल्दी से, ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुँच सकें आराम से। फिर से मैं पहुँच गया अपने होटल, और बाहर अजान भी होना शुरू हो गई है। अल्लाह हाफिज़।